400 पार का नारा दिया था, उनको 300 की भी सीमा लांघने नहीं दी गई। और वो इसलिए नहीं गई, नहीं लांघने दी गई, क्योंकि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के सामने आई, क्योंकि महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के सामने को आई। जो ना ईडी की मार से झुकेगा ना बिकेगा, भाजपा के चुने हुए एमएलए जो जीते हुए हैं अलग अलग जगहों से, उनका बयान है कि आप हमें 400 सीट जिताइए, हम संविधान बदलेंगे। एनटीए को ही निरस्त करना होगा और सरकारी मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को ये एग्ज़ाम्स करवाने का दारोमदार लेना होगा। भाजपा की सरकार जो उस संविधान को गाली देते हुए उसका जन्म होता है, आज वो सत्ता में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। और देश में 2.5-3 महीने से चुनाव चल रहे थे, चुनाव खत्म हो चुके हैं, चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं और 4 तारीख को 2 रिजल्ट आए। एक तो देश के प्रधानमंत्री का यानी कि देश के लोकसभा सांसदों का जो चुनाव हुआ और एक नीट का भी आया। तो इन सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं आयशा की जो दिल्ली स्टेट सेक्रेटरी हैं। नेहा जी, नेहा आपका स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू सो मच। तो देश में 2.5 महीने से चुनाव चल रहे थे, तो चुनाव में जो मुद्दे थे, चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं, अब तो प्रधानमंत्री और सरकार की गठन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो क्या कहेंगी जैसे चुनाव हुए, जो मुद्दे थे उन मुद्दों पे आप क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो चुनाव हुए और जिसके नतीजे 4 जून को आए, वो चुनाव बहुत ही, हम लोग सब लोग गए हुए थे, इलेक्शन कैंपेन में गए हुए थे, मैं आरा गई हुई थी, कोडरमा झारखंड गई हुई थी, हमारे बहुत सारे और भी लोग स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मैं JNU में पढ़ती हूँ, वहाँ से, जामिया, DU, सब जगह से स्टूडेंट्स गए हुए थे चुनाव के प्रचार में। और जब हम वहाँ पे जा रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही थी। पहली बात तो जो चीज़ बोली जा रही है कि 5 किलो फ्री में, मुफ्त में राशन दिया है मोदी सरकार ने, जनता साफ समझती है कि 5 किलो राशन, महीने में 5 किलो राशन का कोई मतलब नहीं है। तो आप जो जस्ट चुनाव से पहले अपना फ़ोटो लगा करके चीज़ें घुमाते हैं, राशन आप देते हैं, बोलते हैं हमने मुफ्त में राशन दिया है महिलाओं को, आप बार बार लोगों को बोलना चाह रहे हैं कि उज्ज्वला योजना के तहत हम लोगों ने सिलेंडर दिया है, उसकी तमाम सच्चाई हमको जाके वहाँ पे पता चली। 5 किलो राशन एक महीने में एक परिवार का पेट नहीं भर सकता है। उज्ज्वला योजना के तहत आपने उनको सिलेंडर दिया और उसके बाद गैस का दाम इतना ज़्यादा हो गया कि वो जो एक बार उनके पास उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर आया, वो वापस कभी भर ही नहीं पाया, उनको वापस चूल्हे पे जाना पड़ा। तो ये सब चीज़ें हमको पता चली, हमें समझ में आया कि युवा एक भारी मात्रा में रोज़गार और महंगाई के मुद्दे पर अड़ा हुआ है। और इसी की वजह से शायद ऐसा हुआ कि इतने लंबे समय बाद वो सरकार जो इतने एरोगेंस से, वो प्रधानमंत्री जो खुद को राजा समझता था, जिसने 400 पार का नारा दिया था, उनको 300 की भी सीमा लांघने नहीं दी गई। और वो इसलिए नहीं गई, नहीं लांघने दी गई, क्योंकि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के सामने आई, क्योंकि महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के सामने को आई। और उसके अलावा जिस तरीके जो BJP का हमेशा जिस के नाम पे हमेशा से उसको वोट मिलता रहा है, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे हमेशा वोट मिलता रहा है, उसमें भी लोगों ने भारी मात्रा से उस मॉडल को रिजेक्ट करते हुए ग्राउंड के जो मुद्दे हैं, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, महंगाई बेरोजगारी हो गया, उस पर सरकार से सवाल पूछा और उस पर वोट किया। और ऐसा इसलिए हुआ कि अब फाइनली पार्लियामेंट में वो ऐसे ही सस्पेंड कर देते थे जो लोग उनके पॉलिसी से अग्री नहीं करते थे या सवाल उठाते थे, वो अब नहीं हो पाएगा। इस चुनाव के तहत जनता ने अपने लिए एक ऑपोजिशन चुना है, एक बहुत मजबूत ऑपोजिशन चुना है, जो ना ईडी की मार से झुकेगा, ना बिकेगा और ना ही सरकार के जो जनता के सवाल है उस पर समझौता करेगा। तो ये जो चुनाव हुआ है, हम इसको उम्मीद से देखते हैं, बहुत उम्मीद से देखते हैं, और हम इसको इनफैक्ट ट्रेलर की तरह देखते हैं। अगले चुनाव में, इस चुनाव में 300 लांघने नहीं दिया, अगले चुनाव में उनको विदा करने का समय। अच्छा, ये जब चुनाव चल रहे थे तो लगातार विपक्ष ने एक मुद्दे को उठाया कि संविधान को खतरा है, आरक्षण को खतरा है, लेकिन अभी भी सत्ता पक्ष जो है इस बात को लेकर कहता है कि विपक्ष ने एक तरह से एक गलत बातें फैलाई, भ्रम फैलाया, हमने कभी ऐसा कुछ कहा नहीं था। तो आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं? हम क्या देखेंगे, जितने भी जर्नलिस्ट्स हैं वो जानते हैं कि किस तरीके से भाजपा के MLA कैंडिडेट्स महाराष्ट्र में, गुजरात में, यूपी में
घूम घूम करके कह रहे हैं कि आप हमें 400 सीट दिलाइए, हम संविधान बदल देंगे। हमने नहीं कहा है, किसी ऑपोजिशन ने नहीं कहा है, किसी जेएनयू के स्टूडेंट ने नहीं कहा है, भाजपा के चुने हुए प्रत्याशी जो हैं, एमपी प्रत्याशी, भाजपा के चुने हुए एमएलए जो जीते हुए हैं अलग अलग जगहों से, उनका बयान है कि आप हमें 400 सीट जिताइए, हम संविधान बदलेंगे। उनका ये कहना है, हमारा कहना नहीं। नीट का भी रिजल्ट आया 4 तारीख को ही, जो कि 14 जून को आना था वो 4 जून को ही आ गया, जिस दिन लोकसभा के रिजल्ट आए, और उसमें बहुत बड़े स्तर पे गड़बड़ी पाई जा रही है, और आप भी खुद उस प्रोटेस्ट में रही हैं, तो क्या कहेंगी जो ये रिजल्ट है, जो 67 बच्चे एक साथ टॉप किए हैं और भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं इसमें? इस पर यही कहना चाहेंगे कि नीट के एग्ज़ाम में गड़बड़ियाँ तो मान लीजिए अभी सामने आई हैं, लेकिन एनटीए एज अ बॉडी किस तरीके से स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ करता रहा है, किस तरीके से एक के बाद एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में फेल हुआ है, ये हम बहुत लंबे समय से देख रहे हैं। नीट का एग्ज़ाम 2019 से करवा रहा है एनटीए, नेट का एग्ज़ाम भी एनटीए करवाता है, सीयूईटी, पीजी, यूजी सब एग्ज़ाम एनटीए करवा रहा है, इन सब एग्ज़ामों में हम धांधली देख रहे हैं। मैंने जिस साल नेट का एग्ज़ाम पहली दफ़ा दिया, उस साल मैंने ऐसे ही दे दिया, लेकिन उस साल पेपर लीक हुआ था, हिंदी का नेट का एग्ज़ाम लीक हुआ था उस साल। उसके बाद भी हर साल हम देख रहे हैं कि पेपर लीक की खबरें आ रही हैं। हम देख रहे हैं कि मैंने जिस साल फिर दिया, उस साल मेरे खुद के पेपर में सवाल इंग्लिश और हिंदी का सेक्शन होता है, बाइलिंगुअल होता है जो एग्ज़ाम होता है सीबीटी, उसमें इंग्लिश के सेक्शन में पैसेज क्वेश्चन में सिर्फ पैसेज है, सवाल दिए ही नहीं है, किसका जवाब लिखे हम, आपने सवाल ही नहीं दिए हैं, ये दिक्कत हुई। हमने देखा कि कंप्यूटर्स बंद पड़ गए आधे घंटे के लिए, और आधे घंटे बाद वो शुरू हुए, तो वो जो आधे घंटे का टाइम लॉस स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, उसका कौन कॉम्पनसेशन देगा, उसका क्या हिसाब दीजिएगा आप? हम देख रहे हैं कि सेंटर्स में इतनी गर्मी में बिना किसी एक पंखा लगा हुआ है, 5 पंखे लगे हुए हैं इतने सारे स्टूडेंट्स के लिए, उसमें स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पूरे दिल्ली भर से, मैं तो दिल्ली में पढ़ती हूँ तो उसका बता सकती हूँ, पूरे दिल्ली भर से स्टूडेंट्स को नोएडा जाना पड़ता है अपना एग्ज़ाम देने के लिए, जब से एनटीए ने दारोमदार संभाला है। पहले हम लोग बगल में जो सरकारी स्कूल है या गवर्नमेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे एग्ज़ाम देने जाते थे, लेकिन अब क्योंकि एनटीए एक ऑटोनमस बॉडी है तो वो अपने सेंटर्स बनाएगा जो कि स्टेट के अलग अलग कोनों में होगा, और सारे स्टूडेंट्स को उधर भागना पड़ेगा 25 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर दूर एग्ज़ाम से पहले ट्रैवल करना पड़ेगा सुबह 5 बजे उठ करके, जब आपको कोई साधन नहीं मिलता है, सिर्फ आप बुक ही करा सकते हैं, कैब सिर्फ वही चलता है, वो बुक करवा के आपको इन सेंटर्स पे जाना पड़ेगा अपना एग्ज़ाम देने के लिए, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि कितने सारे स्टूडेंट्स जो मार्जिनलाइज सेक्शन से आ रहे हैं, कितनी सारी महिलाएं जिनके लिए एजुकेशन में पहुँच, हायर एजुकेशन में दाखिला ले पाना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो लोग एग्ज़ाम दे नहीं पाते हैं, और इसकी वजह से वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनका एडमिशन नहीं हो रहा है, घर पे बैठ रह जा रहे हैं वो, तो ये तमाम चीज़ें हम एनटीए की बदौलत ही देख रहे हैं। तो हमारी अभी भी जो डिमांड है, पहला डिमांड तो ऑफकोर्स ये है कि रीनीट हो और सब स्टूडेंट्स के लिए हो, ना कि उन 1563 स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ। दूसरा डिमांड ये है कि एनटीए को ही निरस्त करना होगा और सरकारी मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, ये एग्ज़ाम्स करवाने का दारोमदार लेना होगा। बात करते हैं किसानों की, पिछली सरकार में भी किसान लगातार जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों को लेके, आज जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज चौहान, तो उन्होंने कहा कि इस सरकार के बनने के बाद सबसे पहला काम जो हम कर रहे हैं वो है किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त दे रहे हैं, जो 20,000 करोड़ रुपया जो मोदी सरकार जो है वो वाराणसी से 18 जून को दिया जाएगा, तो इस पर क्या कहना चाहेंगी जिस तरह से वो किसानों के लिए ये राशि दे रहे हैं? जब आपका जीत का मार्जिन पिछले चुनाव में जितना था उससे घट करके सिर्फ 1.5 लाख रह जाता है, तो आपको ये सब कदम उठाने पड़ते हैं, ये एक मैसेज देने के लिए कि अरे नहीं नहीं हम तो बेहतरी के लिए काम करते हैं। लेकिन जब किसान आपसे उसी किसान आंदोलन के तहत डिमांड्स आपके सामने रखते हैं, तो आप उनको खालिस्तानी, टेररिस्ट, तमाम चीज़ें कहते हैं। जब किसान अपनी डिमांड्स लेकर के दिल्ली की तरफ कूच करते हैं, तो आप दिल्ली की सरहदों पर कील बो देते हैं उन किसानों के लिए, आप उनके ऊपर पैलेट गन से फायरिंग करवाते हैं, टियर गैस सेल्स चलवाते हैं, ये चीज़ें भूला नहीं है हिंदुस्तान का किसान। आप अंबानी अडानी का कर्ज माफ़ कर देते हैं, लेकिन वो किसान करोड़ों का कर्ज आप माफ़ करते हैं, लेकिन किसानों का कर्ज माफ़ करने के लिए आपके पास दिक्कतें हो जाती हैं, उनको आप मुफ्त की रेवड़ियाँ कहते हैं। जब आपसे बात की जाती है एमपीएमसी एक्ट के तहत, तो आप उस पर नहीं हैं, आप उस पर कोई बात नहीं करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि हम तो किसानों के हित में बात कर रहे हैं। आपसे जब एमएसपी की बात की जाती है, तो आप कहते हैं कि एमएसपी की क्या ज़रूरत है, हम तो कल्याण कर ही रहे हैं।
इन तमाम चीज़ों पे यहाँ पे इस देश में चुनाव हुआ भी था और उस चुनाव में आप हारे भी थे। आप तमाम जगहों पे जहाँ पे किसानों ने बुलंदी से आपका विरोध किया है, आप वहाँ पे नहीं अपना पैर जमा पाए हैं और ये चीज़ साफ है। तो अभी अगर आप कोई कदम लेना चाहते हैं, अपनी भूल सुधारना चाहते हैं, तो किसानों की जो आंदोलन रहे हैं पिछले दौर में, उन आंदोलनों के तहत उनकी जो डिमांड्स रही हैं उनको कबूल कीजिए, उनको पास कीजिए, तब हम मानेंगे कि आप किसान को किसान के समर्थन में काम करते हैं। देश में जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का प्रयोग हुआ है, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, और अभी अभी एक खबर और आई है कि अरुंधति राय पे मुकदमा चलेगा यूएपीए के तहत, जो है जो कि 2010 का मामला है, तो इन सारे मुद्दों पे क्या कहना चाहेंगे? इस देश में सरकार तमाम नीतियां बना रही हैं, जब से सरकार है तब से वो पॉलिसीज़ बना रही हैं, जब से सरकार है तब से नियम कानून बन रहे हैं, जब से हमें आज़ादी मिली है। तो वो जाहिर सी बात है कि वो जो नियम कानून बना रही है उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद अगर जनता को उससे डिसएग्रीमेंट है या कुछ एक्ट के रूप में पेश किया जाता है उससे डिसएग्रीमेंट है, तो जनता अपना आक्रोश जताएगी। और क्योंकि हम एक लोकतंत्र हैं, एक संविधान है हमारे पास में, जिस संविधान में ऑपोजिशन की भी एक जगह है, जिस संविधान में प्रतिरोध की अपनी एक जगह है, दिया है, अधिकार है हमारा, संवैधानिक अधिकार है, राइट टू डिसेंट, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो इन तमाम अधिकारों के तहत हम लोग सरकार की जितनी पॉलिसीज़ हैं उनको जितना ऑपोजिशन हमें करना है, उनका जितना प्रोटेस्ट करना है, संविधान हमें वो अधिकार देता है। और वो भाजपा की सरकार जो उस संविधान को गाली देते हुए उसका जन्म होता है, आज वो सत्ता में है और उसको लगता है कि वो इतनी ताकतवर है कि वो उस संविधान को झुकला सकती है, तो हम हिंदुस्तान के नागरिक जिनको अपना हिस्ट्री याद है, जिनको अपना एंटी कॉलोनियल एंटी इंपीरियल हिस्ट्री याद है, जिन्हें याद है संविधान को बनाने के प्रोसेस में जितनी बहसें छेड़ी गई थी, वो सब बहसें हमने पढ़ी हैं, हम उन तमाम अधिकारों के साथ, उस संविधान के साथ आज भी खड़े रहेंगे। और अगर सरकार को याद नहीं है तो हम उन्हें याद दिलाएंगे, सड़कों से याद दिलाएंगे, सड़कों का घेराव करके याद दिलाएंगे, अपने यूनिवर्सिटीज़ में बातचीत करके याद दिलाएंगे, संसद में चुन करके अपने प्रतिनिधि को भेजेंगे और संसद में पार्लियामेंट में वो उनको याद दिलाएंगे। तो सरकार ये बात याद रखे। महंगाई को लेकर बहुत बातें होती है और चुनाव ख़त्म होते हैं, दूध के दाम बढ़ जाते हैं, टोल टैक्स बढ़ जाता है, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये तो चुनावी दौर में हम देख रहे हैं। कायदे से सरकार, अगर ऐसी सरकार है जो जनता की सरकार है, जनता के लिए सरकार है, जनता से सरकार है, तो उस सरकार को जनता के साथ बातचीत करते हुए, तमाम वो ग्रुप्स जो उनके पॉलिसीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके साथ बातचीत नेगोशिएशन में जा करके, जो ट्रेड यूनियंस हैं उनके साथ नेगोशिएशन में जा करके, किसान जो संगठन है उनके साथ नेगोशिएशन में जा करके, छात्र जो संगठन है उनके साथ नेगोशिएशन में जा करके, अपने पॉलिसीज़ को लगातार रिवाइज करते रहना चाहिए, समय समय पर पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करना चाहिए और उस हिसाब से कानून बनना चाहिए। लेकिन आज के समय पर हम देखते हैं कि जैसे ही चुनाव आता है तब आप इस तरीके की पॉलिसीज़ कहते हैं। चुनाव से पहले जिनको आप मुफ्त की रेवड़ियाँ कह रहे थे, चुनाव के वक्त वो चीज़ आपके कैंपेन का मुख्य रूप बन जाते हैं, मुख्य अंग बन जाते हैं। चुनाव से पहले आप जिन लोगों को गालियाँ दे रहे थे, जब आपको पता चलता है कि चुनाव में उसका असर पड़ सकता है, तो आप तुरंत पलटी मारते हैं और बोलते हैं कि अरे नहीं, हम तो मुसलमान के बारे में बात नहीं कर रहे थे कि उनके बच्चे बहुत हैं, हम तो मुसलमान के बारे में नहीं कह रहे थे कि वो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, हम तो देश के गरीबों के बारे में बात कर रहे थे। अगर आप देश के गरीबों के बारे में भी बात करें तो ये शर्म की बात है। इस देश के गरीब वो हैं जो आपके देश की सड़क से लेकर आपके बड़े बड़े पार्लियामेंट के भवन को खड़ा करते हैं। इस देश के गरीब अगर नहीं होंगे, इस देश के मजदूर नहीं होंगे, तो आप जिस सड़क पर चलते हैं, जिन घरों में बैठते हैं, वो आपको मिलेंगे नहीं। तो अगर आप इस देश के गरीबों को, मजदूरों को गाली दे रहे हैं, तो आपको और शर्म आनी चाहिए, ये कोई गर्व की बात नहीं है। तो आप उन तमाम लोगों को जिनको गाली दे रहे होते हैं चुनाव से पहले, आपको क्योंकि उनका वोट चाहिए, चुनाव के वक्त आप उनके साथ खड़े होने की बात करते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग देखे हैं, इस तरीके का डुअल कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन आज भी हमें मालूम है कि किस तरीके से गालियाँ दी जाती हैं, माइनॉरिटीज़ को गाली दी जाती है, जो दलित हैं उनके ऊपर इन्हीं के मिनिस्टर्स पता चलता है कि वायलेंस कर रहे हैं, उनके मारपीट हो रही है, उनको
हमें ऊना का इंसिडेंट याद है, हमें उन्नाव याद है, हमें कठुआ याद है, हमें ये तमाम इंसिडेंट्स जिनमें इन्हीं के नेता अभियुक्त हैं, अक्यूज्ड हैं और कन्विक्टेड हैं, वो तमाम हमको याद है। हमको रेसलर्स का प्रोटेस्ट याद है और वो तमाम इनके बृजभूषण शरण याद है जिनके बेटे को ये टिकट देते हैं, हमें वो प्रज्वल रेवन्ना याद है जिनके साथ में अलायंस में इन्होंने चुनाव लड़ा है, हमें वो तमाम लोग याद हैं, हमें अजय सिंह टेनी याद हैं जिन्होंने चुनाव हारे हैं, जिनका बेटा हारा, जिनके बेटे ने गाड़ी चला दी, जो चुनाव याद है हमें, हारे हैं वो याद है हमें। और हम जानते हैं असलियत भाजपा की, आरएसएस की, हम असलियत अच्छे से जानते हैं। अल्पमत की सरकार आ चुकी है, क्या लगता है आपको ये? हालांकि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात कही है, मोदी जी ने, कि अल्पमत की सरकार जो है ज़्यादा नहीं चल पाती है। आज वो खुद अल्पमत में हैं और खड़गे साहब इस बात को लेकर कह रहे हैं कि हम उनकी बात को दोहरा रहे हैं कि ये सरकार नहीं चल पाती है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि सरकार 5 साल चले या न चले, इस तरह की जो ये अब अल्पमत में है तो उस पर क्या कहना चाहिए? हम ये कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से भाजपा अपनी मनमानी कर रही थी, किसी के भी ऊपर ईडी भेज दे रही है, किसी के भी ऊपर सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, किसी के भी बारे में कुछ भी बोला जा रहा है, जब मन किया जिस एमपी को जहां से सस्पेंड करना है सस्पेंड कर दिया जा रहा है, वो जो सवाल पूछ रहे हैं उनको रिटन रिकॉर्ड से एक्सपंज कर दिया जा रहा है, जिस जगह पे हम देख रहे हैं, अगर कोई भी यूपी में बाकी जगहों पे हम देख रहे हैं, अगर कोई सरकारी एम्प्लॉई किसी सरकार के किसी नतीजे के खिलाफ में अपना बात रख रहा है सोशल मीडिया पे, अपने व्हाट्सएप स्टेटस, अपने फेसबुक पे लिख रहा है, तो उस सरकारी अधिकारी को अपने जॉब से सस्पेंड कर दिया जा रहा है। इस तरीके की मनमानी सरकार, भाजपा सरकार अब नहीं कर पाएगी, हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि अल्पमत की सरकार होने के बावजूद जिनका एक एक सीट भी निकला है, चिराग पासवान जी को, उनको उन्हें कैबिनेट में बिठाना पड़ रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि पहले जो सिचुएशन थी उससे कहीं बेहतर सिचुएशन होगी। और सिचुएशन बेहतर नहीं, अब वो पार्टियां जिन्होंने भाजपा के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ा है उनसे हम क्या एक्सपेक्ट करें, बहुत एक्सपेक्ट तो नहीं करते हैं, लेकिन इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको हम पुल अप कर सकते हैं उनके रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, एरियाज में, और आने वाले समय में उनको अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। नेहा जी, आपका धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना, दिल्ली स्टेट सेक्रेटरी हैं आयशा की नेहा जी। तो नेहा जी ने हर मुद्दे पर अपनी राय रखी कि किस तरह से देश में जब बहुमत की सरकार थी, ऑटोक्रेसी थी, तो मोदी सरकार कैसे काम कर रही थी, लेकिन अब ये सरकार अल्पमत में है तो अब यह उस तरह से काम नहीं कर पाएगी। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। रंजय कुमार कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।